प्राचीन काल में एक स्वर से गायन को क्या कहते हैं? आचरेक तीन स्वरों से युक्त गायन को प्राचीन साम्य में क्या कहते हैं? साम्य भारतीय संगीत में षडज का संबंध किस राग रंग से माना गया है? सफेद लाल सुनहरे रंग के स्वर से संबंधित था। गंधार किस पशु पक्षी का संबंध निषाद स्वर के साथ जोड़ा गया हाथी? धैव स्वर का संबंध किस रस से जोड़ा गया? भरतकालीन मध्य स्वर मध्यकाल में किस नाम से जाना जाने लगा? षडज भरतकाल के षडज का स्थान मध्यकाल में किस स्वर ने ले लिया है? पंचम प्राचीन काल का गंधार स्वर आधुनिक समय का कौन सा स्वर बन गया है? कोमल गंधार अंतर गंधार स्वर को आधुनिक समय में क्या कहा जाता है? शुद्ध गंधार आधुनिक समय में कौन सा स्वर अवर्जित माना गया है? षडज भरत ने कौन कौन से अंतराल युक्त स्वर युग्मों को संवादी कहा है? नव त्रयोदश पंडित सारंगदेव ने कौन कौन से अंतराल युक्त स्वर युग्मों को संवादी कहा है? अष्टत्रयोदश भारतीय विचारधारा में कुल विचारधारा में मूल या विशुद्ध स्वर सप्तक में त्रयोदश श्रुत्यंतर कितनी बार आना चाहिए? तीन। षडज पंचम का आपसी गुणांतर कितना है? थ्री टू। षडज मध्यम का आपसी गुणांतर कितना है? 4.3। आधुनिक ध्वनि विज्ञान में कितने स्वर संवाद प्रमुख माने गए हैं? तीन। किस स्वर को बजाने से उसमें कुछ अन्य स्वर भी सूक्ष्म रूप से निकलते हैं? इन स्वरों को क्या कहा जाता है? स्वयंभू स्वर। स्वयंभू स्वर को पाश्चात्य संगीत में क्या कहा जाता है? हारमोनिक्स। तानपुरे के मंत्र सा की तंती से कौन सा स्वर सूक्ष्म रूप से सुनाई देता है? गंधार। षडज पंचम षडज से कितने गुना ऊंचा है? 1/2। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर आधुनिक वीणा के किस पर्दे को भारत का षडज मानते हैं? मंद्र पंचम के पर्दे को। पश्चात संगीत में सूर्य धैवत की आंदोलन संख्या कितनी होगी? अगर षडज की आंदोलन संख्या 240 है, 400। षडज की आंदोलन संख्या 240 मानने पर पंडित श्रीनिवास के द्वारा धैवत स्वर के आंदोलन संख्या क्या होगी? 405। संगीत परिजात के अनुसार अगर हम वीणा के तार को 36 इंच माने तो मेरु से 15 इंच की दूरी पर कौन सा स्वर होगा? धैवत। पंडित अहोबल ने तार तड़त तथा मेरु के मध्य किस स्वर को स्थापित किया है? मध्यम। पंडित अहोबल ने मेरु तथा गुड़ज के मध्य किस स्वर को रखा है? तार षडज। भारतीय संगीत के मूलभूत स्वर को क्या कहा जाता है? षडज। एक पूरे सप्तक का अंतराल कितना माना गया है? 301। एक सप्तक को कितने सेंट में बांटा गया है? 1200। सेंट पत्ती का जनक किसे माना जाता है? एलिस। पंडित सारंगदेव के अनुसार जहाँ मूर्छना है स्वतंत्र रूप से विचर सके ऐसा स्वर समूह क्या कहलाता है? ग्राम। पाश्चात्य संगीत में ग्राम को क्या कहा जाता है? स्केल। ग्राम शब्द पर स्वप्रथम व्याख्या किसने की? मतंग महर्षि भरत ने कितने ग्रामों का वर्णन किया? 2। प्रत्येक ग्रामों में कितनी श्रुतियाँ थीं? 22। षडज ग्राम में ऋषभ की कितनी श्रुतियाँ थीं? 3। षडज ग्राम में पंचम किस श्रुति पर स्थापित है? 17। मध्यम ग्राम में पंचम श्रुति से युक्त था? 3। मध्यम ग्राम में धैवत स्वर की कितनी श्रुतियाँ थीं? 4। 7 स्वरों के क्रम युक्त आरोह अवरोह को क्या कहा जाता है? ग्राम। प्रत्येक ग्राम में कितनी मूर्छनाएं उत्पन्न होती हैं? 7। मूर्छनाएं कितनी प्रकार की मानी गई हैं? 4। भरत के अनुसार षडज ग्राम की प्रथम मूर्छना को वीणा के किस स्वर से आरंभ करना चाहिए? मध्यम।
सडक तथा मध्यम ग्राम की मोच मध्यम ग्राम की ज्यादा मोचनाएं अपने अपने प्रकारों के द्वारा कितनी मोचनाओं का रूप धारण करती है? 56। मध्यम ग्राम की पहली मोचना कौन सी है? सोवेरी। आधुनिक बिलावल राग के किस स्वर मोचनाओं के स्वरों से मिलते हैं? रजनी। उत्तर मंद्रा नामक मोचना के स्वर आधुनिक समय के किस राग के सदस्य हैं? काफी। सडज ग्राम की सातवीं मोचना का क्या नाम है? अविरुद्ध कथा। सडज ग्राम की पहली मोचना कौन सी है? उत्तर मंत्रा।